जी सारे ने सकरात की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी सकरात। और लविया जो खा लो हलवा गर्मा गर्म। हेलो जी, राम राम। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ भाई सारे सुख मौज में होंगे। और आज मैं बंठन के कहाँ जा रही हूँ। आज हमारे घर में कुछ न कुछ प्रोग्राम है। आज है लोहड़ी की मूंगफली की खुशबू से गुड़ की मिठास, मक्के दी रोटी ते सरसों का साग। मुबारक हो आप सभी को और आपके परिवार को लोहड़ी का मुबारक। और आज लोहड़ी है तो भी आज 2 घंटे पहले मैसेज आ गई थी भी ऐसे ऐसे कैंपस में प्रोग्राम है, मुझे भी नहीं पता था। और मैं तैयार हो रही हूँ, बच्चे भी मेरे तैयार हो गए हैं। और अभी हम जाएंगे, बस फटाफट 7 बजे का टाइम दिया था, 7:15 हो गया है। और अब पहुँच जाती हूँ मैं फटाफट। और आप अगले दिन ये वीडियो देख रहे हो तो आपको हैप्पी मकर संक्रांति। और भाई अपना घर का बाहर सारा नाग जला ली होगी, हलवा बना के खा लिया होगा। अगले दिन की बताऊंगा क्योंकि आज तो लोहड़ी है नहीं, तो वीडियो तो अगले दिन देखूंगी। फिर हम जा रहे हैं फटाफट, उर्वी अपने सूच पहन रही है। और अभी हम पहुंच जाते हैं और मिलती हूँ मैं थोड़ी सी देर में आपसे। ये हम पहुँच गए हैं और यहाँ पर मंदिर के सामने ग्राउंड में, कैंपस नहीं। तो भैया ये कुछ ऐसा यहाँ पर इंतज़ाम का रखा है, वहाँ पर म्यूजिक सिस्टम है, यहाँ मंदिर है, बच्चे झूले झूल रहे हैं। तो भैया हम यहाँ पर आगे हाँ और बैठे यहाँ फिलहाल तो, लेकिन प्रोग्राम पूर्व भी गई हो रखी है लड़की छह। यहाँ पर सारी पूजा कर रहे हैं। ये देखो जल्दी ब्याह भी चल। इस टाइम पे नूब राम वाटी हो जाए जब बालक चिंगर जाए तो ऊर्जा चिंगर की राम जाने के बाद तो एक एकदम या तो फिर आग ने देखते ना, आग ने नहीं असल में फोन ले रही थी मेरा और मैंने खोज लिया भाई, क्यों माटी में फेंक फेंक कर मारा थी यहाँ पे। फिर वह रोन लगे, फिर इतनी चिंगर की फोन दे लिया, ट्राईपोर्ट दे लिया, लेकिन चुपे को नहीं हो गए। लेकिन बाकी फेरी में नहीं लगा पाई थी इस वजह से, और बाकी इंजॉय कर रही थी, देख रही थी सबको। यहाँ पर जो कुछ प्रोग्राम चला हुआ था तो डांस करने वाले डांस भी कर रहे थे और मन तो मेरा भी था, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ ऐसे ही हो जाता है कई बार। और प्रसाद बच रहा है यहाँ पर खीर का, और मखाने खीर उगड़े देखो। हम अब आ गए हैं 9 बजे, उर्वी हमारा लोग खोल रही है। बस वही था, लोहड़ी जला दी थी और वहाँ पर वो प्रसाद दे रहे थे खील का, और डांस करने वाले डांस कर रहे थे जिनको मतलब मेरी उमजूर हो रही थी। और फिर मेरा मतलब मन तो था, लेकिन वही होता ना ग्रुप नहीं था, तो मैंने तो कोई डांस किया नहीं। सो आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँ डांस, है ना। लेकिन वैसे दूसरों का देखा, इंजॉय किया बैठ के आराम से। और अभी हम जस्ट आए, ट्राईपोड का कोई काम था नहीं वहाँ पर, मतलब जरूरत सी पड़ी नहीं मुझे, क्योंकि ऊर्जा रोने लगी भाई। वो बच्चे का इस टाइम पे रोना मतलब आप लोगों को समझ सकते हो कि परेशान कर देता है। 9 बज गए और बस अभी चेंज करके सोते हैं, बाकी सुबह बनाऊंगी सकरात वाले दिन। हैप्पी संक्रांति। तो अभी आप सभी को सकरात की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज फिर ब्लॉग इसी में ऐड कर दिया है भाई, क्योंकि कल तो इतनी क्लिप नहीं निकाल पाई थी मैं। और हम सवेरे सवेरे उठ के थोड़ा लेट उठे थे भाई, क्योंकि छुट्टियां चल रही है ना उर्वी की। और ये भी नहीं है कि भाई इतना काम का प्रेशर हो जाए, आराम से उठ के काम करूँ मैं। तो नाली हो गया था मैं, क्योंकि आज वही नुका है जो नहीं नहांदा वो चमगादड़ बना कर। हाँ तो भाई मेरा मिंडक भी नहा लिया है और हम तो तीनों माँ बेटी उठ कर खा पी कर तड़के तो बना दी थी इडली और चावल डाल दिए थे। इब इनकी मतलब पुलाव बनाऊंगी छोंक बिरयानी टाइप और सब्जी लेके आई हुई। तो मैं बस क्या क्या टमाटर खा ले सारी आन काजू का बाछा भाई इतने इतने स्वाद लगे इसने काजू ले आएगी मम्मा आ आ आ छिल दो उर्वी उल्टी क्यों कर रही इनको चल वहाँ खेल ली जमटर छिल ली। तो भाई ये सब्जी लेके आई हूँ मैं और 110 रुपया की ईद तक जाता है। और आज मतलब त्योहार है दीदी कोई साल भर का त्योहार है और दिन तो इतने चट्ठे पट्ठे बनाए जहाँ और ये है कौन इतना दीदो कौन करे फिर वहाँ बाढ़ का गेला। तो भाई सारे त्योहार बनाने चाहिए बाढ़ करे हमरे तो हलवा बना लिया क्योंकि भाई वो क्या नहीं करे भाई साल भर का त्योहार बोला खाइए त्योहार मेरे वहाँ क्या करे खाइए त्योहार और चालिए व्यवहार। तो भाई त्योहार गेला तो ये अपना हलवा बना लेते हैं सूजी आटे का बड़ा ही टेस्टी टेस्टी सा दे मारा इतनी चाँद रही होगी 2 किलो घी लग गया मारता है 2-2.5 किलो घी था ये मम्मी ने दिया था और इधर तो एक बोतल भरी भरी है 2 किलो की। इतना तो हमारा दोबारा जाने का नंबर आ जाएगा घर बाकी आज मैं किसी लागू तैयार होता। और एक छोटी छोटी नगर आंटी आप बहुत ही प्यारे लग रहे हो अच्छा है बाड़ा का आजकल कपड़े कपड़े धोए भी उठ कर झाड़ू पोछा करे उठ कर बाड़ा को आज मेरी जानी है बताइए थाने क्या बनाया आज हम तो देसी घी का हलवा बनावांगे। देखो भाई तीज त्योहार का मजा है परिवार गेले एकले तो बस वही बात है मना लिया है क्योंकि भी बच्चा नैनू नहीं महसूस होना चाहिए कि हम परिवार के साथ नहीं हाँ या फिर दूसरे मना रहे हैं हम क्यों नहीं। तो इस वजह से ना तो बाकी परिवार में जो मज़ा है ना वो तो अलग ही मज़ा है। तीज अपने जो भी त्योहार है वो खुशी खुशी मनाने के खैर मैंने जो 100 सेहरे ले रखे थे और भी गाल समरवाणी और वो जो कुछ देना था तासड़ा बाल्टी तो वो मैं अब की बार नहीं दे पाऊंगी और ना ही मेरे 100 सेहरे कंप्लीट हुए थे। मम्मी ने बोली अगली बार दे दिए कोई दिक्कत नहीं 3 साल से ही पूरे कर सके हैं वहाँ चलो भी तो फिर कर लेंगे। और कुछ फिर बालका मोड़ जरूर भाई ना तो मेरे वहीं पूरे होए लेकिन मैंने नो था कभी मैं दूँगी फिर वो ही है बात हो जाता है। देखो भाई ये अपने ऊपर होने तो ही हम कर सका हाँ भरोसा तो कौन ही पूरे हो पाए मैंने बड़ा दुख होया। तो भाई भी कहा करा सकरात वाले दिन किसी भी चीज़ का दान पुण्य करा तो उसका 100 गुना फल मिला करा लेकिन मैं इनकी बार कुछ भी नहीं कर पाई। घर पे होती तो देखो अलग बात था यूँ रख के करूँ एकली और फिर ये भी नहीं थे कुछ अलग तय सोचो और तो इस वजह तो रह गया। हालांकि मेरी मम्मी ने तो जिस तरह पिछली बार ले रखी थी नहीं पापा भाई की कहानी और धर्मराज की कहानी उसका उदाहरण कराया था बताओ थी कि भाई ऐसे ऐसे दान पूंजा तो उनको अगर जेठ की बेटी का बहुत बड़ा धर्म होया कर अच्छा फिर भाणजे की बहू का माँ ठीक से आगे माँ भी जब हो जाएंगे नहीं बड़े बूढ़े ढेर जद करा करांगे। बाकी नहीं हलवा सच्ची बताऊँ कोई स्वाद नहीं बन रहा था आंगा बिलाया और मेरा किस डाल के कारवा था यूँ अजीब सा मतलब मेरा खुद को ना भाई से बताऊँ ये सूजी और डाल की थी और इस तो बड़ी आटा आटे का बना ली और वो भी बड़ा स्वाद बन जा रहा। खैर चल के मैंने नुहा खा तो लिया ईसा भी कौन था कि जमा 1 नंबर का लपक लपक खाया जा रहा ईसा भी कौन था भी कितनी जमा बस ठीक था मतलब एवरेज 100 में तो जब ना 10 में तो जब नंबर दूँ 4 नंबर तो दे सकूँ 4-5 नंबर तो मतलब ठीक था। बाकी हमारी उर्जू ने तो बहुत पसंद आ रहा है ये दोबारा खुलवा के ले आई है मम्मा एक बार तो इन उर्वी के लगा लिया फिर उर्वी ने बोली मम्मा पेट भर गया हम खा ले बेबे। और तो भैया अब कुछ नमकीन बना लेते हैं हालांकि टाइम 2:30 बज गए और सारा दिन सुबह के काम कर कर ना निमटाया काम कोम, तो लेट हो ही गई थी। तो फिर ये चावल उबाल रखे थे माला, इनमें भी तड़का मार दूँ, शाही जीरा तेज पत्ता और ये दालचीनी डाल के। अच्छा जी ये बताओ शाही जीरे और नॉर्मल जीरे में क्या अंतर होता है, कमेंट करके बताना मुझे, फिर मैं बताऊंगी आपको। और यहाँ पर मैं ये छोंक के बना रही हूँ इसको, चावल को बिरयानी टाइप में। और कल जो मैं वहाँ गई थी ना लोहड़ी पे, तो एक जनी बोली, मतलब गन खरे भी कह भी देवा भी ये मारी ना लिए वीडियो में मना ना लिए। देखो और सारी दुनिया वीडियो बना भी, सारे पब्लिक में बैठ के देखा, लेकिन एक आधी मतलब इस चीज़ का उन्हें इतना इतराज़ हो जाए, मतलब आजकल पढ़े लिखे टाइम में, मतलब इस चीज़ ने इतना नू मानना है कि पब्लिक में अगर हमारा फेस चला जाऊँगा तो घनी बड़ी बात हो जाएगी। मतलब देखो लोगों की थिंकिंग देखो, कोई भी ब्याह शादी में कितना जा आप तो उन्होंने को हमारी वीडियो ना बनाइए, कदम हमने कोई चार मानस देख ले, या ऐसा कुछ नहीं होता, शर्म होगा नजरा की ठीक। लेकिन बस लोगों की सोच हुआ है, हालांकि ये अपना हरियाणा वाली कुछ ज़्यादा ही करा है, और दूसरे अदर स्टेट की इन लोगों को इतना ऐतराज़ ही नहीं होता, बल्कि ये तो खुश और होती है कि हाँ भाई यूट्यूब पर हमारी वीडियो आएगी। और तो मैं क्या भी ला भी उर की प्रयोग थावना टाला करूँगी दिखाने की। एक जनी मतलब एक जनी पे कौन कर दिया गनखरियाँ की बात आ लिया कहीं यहाँ ने कह ली थी मेरे, तो जिस तरह कल वाली बात नहीं, मतलब आज तक मैंने वीडियो बनाई है उनकी बताऊँ मैं, मैंने देखा भी है, लेकिन फिर भी नू सोचा कि भाई गलत तरीके तक भी इस चीज़ में कोई वो आनी जानी को नहीं। खैर मतलब लोगों की सोच है, रह जाओगी एक जन। नेक्स्ट आज मैं ना पूरा दिन बिजी थी, आज 15 जनवरी को, तो इस वजह से आज ये व्लॉग भी मैं लेट एडिट कर रही हूँ और आप लोगों के साथ लेट ही शेयर कर रही हूँ। तो कल आज जो व्लॉग आएगा वो भी बड़ा मज़ेदार होगा, ज़रूर से ज़रूर देखना आप। और एक ख़ास बात जो इस व्लॉग में नहीं बता पाई, मैं आपको फिर कभी बताऊँगी, क्योंकि वह भी बात भाई मन में खटक रही है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज तो इस व्लॉग का यहीं एंड करी हूँ। राम।